Wanda, welcome home. I'm gonna burn this place to the ground. कैडेट्स हैं हम एनसीसी के, स्कूल कॉलेजों में अपना रोर, कोविड-19 से लड़ने निकले चारों ओर। यूनिटी है गौरवान्वित, डिसिप्लिन में हर कदम, देश की सेवा करने घर घर से निकले हैं हम। एनसीसी सिर्फ एक संगठन ही नहीं है, ये एक मिसाल है हर उस व्यक्ति के लिए जो इस देश का नागरिक है। आपातकाल, पैंडेमिक या इन जैसे सिचुएशन में जब देश की सेना बॉर्डर पर तैनात हो, देश की अंदरूनी समस्याओं को हल करने के लिए पुलिस व अन्य फोर्सेस व्यस्त हों, इन समस्याओं से जूझने व इनकी हेल्प करने देश के नवयुवी कैडेट्स सामने आते हैं। हर एक कैडेट में एक जुनून होता है अपनी देश की सेवा करने का, एक ललक होती है कि मैं भी उस वर्दी को पहनूं। एनसीसी में सेलेक्शन से लेकर सुपर सीनियर बनने तक हमने भी वो मेहनत और मस्ती की है। फाइल में उच्चा शॉटिंग, उच्चा दौड़ कदम ताल वाला वार्म अप करने, 1-2-1 की शॉटिंग में कदम मिलाने, ग्राउंड में दहाड़ने या फिर 120 स्टाइल मार्च तेज चलने, इसमें जो मजा और एहसास है वो सिर्फ एक एनसीसी कैडेट ही जान सकता है। 3 से 4 साल की ये ट्रेनिंग पूरे लाइफ को बदल देती है। वो कैंप एरिया में अपने बोरिया बिस्तर समेत मस्त फिल्मी एंट्री, PI स्टाफ का ग्रुप डिवीजन और रूम अलॉटमेंट का एक्साइटमेंट, दूसरे कॉलेजों के एंट्री में वो कंपटीशन वाली नज़र, कैंप का वो खाना और खाने की वो ड्यूटी, पहले दिन ही सेंट्री ड्यूटी का दुख, बाकियों को चैन की नींद का सुख, रात के 10 बजे लाइट ऑफ होने के बाद की वो मस्ती, कुछ लोगों की जान उनके बाबू सोना में ही बसती, रात के अंधेरे में फोन कॉल का बजना और फुसफुसाते हुए लोगों की आवाज का सनसन करना, सुबह सुबह उठने की मस्कर, टॉयलेट जाने की लाइन में प्रेशर कंट्रोल किए वर्षक, कैंप में सुबह 4 बजे उठना कि जल्दी से नहा धो के फ्रेश हो जाऊं, पता चलता है कि मेरी बाल्टी ही गायब है, सूस कोई ले गया, और जब बाथरूम पहुंचो तो पता चले कि पानी ही नहीं है। सुबह से नहाने के लिए लाइन लगाने, एक साथ बैठकर खाना खाने, दोस्तों के लिए दूसरों से लड़ जाने, दोस्तों को उनकी क्रश कैडेट के नाम से चिढ़ाने और ड्रिल करते वक्त गाना गाने, बहुत कुछ सिखा जाती है। जाने अनजाने में ही सही, लेकिन गलतियां करते करते, सजा खाते खाते वो एक जागरूक इंसान बन जाता है। हर उस सिचुएशन में उसे क्या करना है, वो लोगों को, वो अपने परिवार को कैसे लीड कर सकता है, ये बता जाती है। पीटी ग्राउंड की मेहनत, वो नाश्ते से भूख वाला प्यार, प्रेस्ड यूनिफॉर्म की रौनक, DMS को पॉलिश कर परेड प्रैक्टिस को तैयार, 1-2-1 के साथ कदम से कदम था मिलाना, मकरापंती करते PI से था नजरे चुराना, वो स्टडी क्लास की नींद जो PI लेक्चर लेते थे छीन, उफ वो लंच और 1 घंटे का आराम, टेस्ट और टास्क ने किया था जीना हराम, सबसे प्यारा शाम मस्ती के मूड में होता था हर किसी का काम, माहौल मस्ती मजा कभी कभी बन जाती थी सजा, मजेदार होता था हर चुनौतियों की तैयारी, साथ निभाती थी यारों की यारी, वो सीनियर्स ने रिफ्रेशमेंट लिए लगाई थी दौड़, मैं पहले पहले मैं की लगती थी होड़, जैसे तैसे आती थी रात, फिर होती थी दिन भर की घटनाओं पे बात, मजेदार किस्से, नाच गाना, किसी की खुशी में किसी का झूम जाना, दिन की मेहनत के बाद रात का वो नहाना, किसी न किसी बहाने बस साथ था समय बिताना, चेहरे पे दिखती थी पसीने की कलाकारी, कंबल परेड में जाती थी जान हमारी, वो संतरी ड्यूटी वाली झूठी डरावनी बातें, लेकिन ड्यूटी से कोई नहीं थे बच पाते, ड्यूटी में चुपचाप से मोबाइल को लाना,
और डरावने किस्सों के साथ था रात बिताना। सिर्फ सिर्फ 2 मिनट में पूरी की पूरी ड्रेस पहन के रेडी होना, और यदि लेट हुए तो फ्रंट रोल करते हुए आना और फाइल में पीछे से मिलना। कैंप में परेड समाप्त होने पर गर्ल्स कॉलेज के जाने तक का वेट करना। इतना थका हुआ होने के बाद भी सोलो सॉन्ग सोलो डांस की प्रैक्टिस, और यदि सीख हो गए तो रूम में ही रहना और कभी कभी तो सीख होने का बहाना बनाना। फिर आती थी फायरिंग की पारी। मजबूत पकड़, दुरुस्त शिस्त और दुरुस्त टिगर ऑपरेशन को रटते हाथ ही कपकपाती। मैप रीडिंग में नॉर्थ के 3 प्रकार और 20 साल पुराने उसी कंपास से 4 फिगर 6 फिगर जीआर का जुगाड़। क्लास में पटेल सर की शाबाश, बहुत अच्छा वाली शाबाशी। अजी क्या बताऊं, याद बहुत है आती। क्रश कैडेट से आंखें मिल जाना, बात हो जाना, वो एहसास कैसे बताऊं। कैंप फायर के दिन फुल सज धज के फोटो लेना, वीडियो बनाना, कैसे भूल जाऊं। इतनी छोटी नहीं है ये जर्नी। सीनियर्स के आदेशों का पालन करना, कभी अपने ही कैडेट से बहस लड़ाई, हेयर कटिंग सेविंग इन सब के चक्कर में सबके सामने बेइज्जती हुई, फुल सजग है। इसी वजह से कॉम्पीट करना और अपने आप को इतना काबिल बना लेना कि अब तो हर सिचुएशन से लड़ जाऊं। कमांडिंग के टाइम पेट से आवाज़ निकालने के चक्कर में गला फाड़ लेना और फिर नमक पानी से गरारा करना ताकि आवाज़ क्लियर आए। 15 अगस्त 26 जनवरी इन सब की तैयारी में 20 दिन पहले से ही सुबह से शाम परेड ग्राउंड में बिताना, और फाइल में आंखों की तिरछी नज़रों से ही बातें समझ जाना। एक पैर में खड़े होने का सुख, और यदि सीनियर को पता लगे तो पूरी की पूरी फाइल का बैंड होना। सीनियर्स को जय हिंद बोलना, डेमो के लिए हाथ खड़े करना, और ड्रिल खत्म होने के बाद क्लास में आए हुए 72 रुपये के रिफ्रेशमेंट में ये देखना कि आज समोसा आया है या नहीं। लाइन तोड़ और विसर्जन में कंफ्यूजन। फाइल में घुसने की अनुमति चाहता हूँ कि आदत। सेमेस्टर एग्जाम के चलते RDC व ट्रैकिंग कैंप मिस कर देना। राइफल के मजल में ब्रूश डाल, हमने भी की है सफाई। फुंदरू से खींच, तेल है बहुत लगाई। अजी कैसे भूल जाऊं इन्हें। मैं भी एक नॉर्मल फैमिली से ही बिलोंग करता हूं और एक आम गांव शहर का ही रहने वाला हूं। मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं, मेरी भी एक कहानी है। मेरा भी एक परिवार है जिसमें एक शुगर पेशेंट पिता और एक लकवाग्रस्त दादी है। मुझे भी मना किया मेरे परिवार ने कि ना जाओ, लेकिन मेरी भी जिद थी कि जब देश को मेरी ज़रूरत है तो मैं कैसे ना आऊं। जैसे तैसे परिवार को मना के आया हूं। इन सब के बीच इस बीमारी से लड़ने निकला हूं। खतरा तो मुझे भी है विक्टिम होने का, डर तो मुझे भी है कि मेरे जरिए मेरे परिवार के लोगों को ना हो जाए। ऐसे में सावधानी बरतनी है, परिवार और देश को भी संभालना है, सबको साथ लेके चलना है। इस पेंडेमिक में NCC वॉलेंटियर, फूड सप्लाई, ट्रैफिक कंट्रोल, राशन वितरण, मास्क बनाना, सैनिटाइजर बनाना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, डाटा मैनेजमेंट, ज़रूरतमंदों की मदद, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए हर संभव सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी कोऑपरेट कर रहे हैं, आप भी करें। पूरे देश में 48,000 से ज़्यादा ऐसे NCC वॉलेंटियर्स हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। हम कैडेट्स ने तो यही सीखा है, और मुझे तो अपने कर्तव्य का पालन करना है। वक्त आने पे हम अपना बलिदान देने से नहीं चुकेंगे, लेकिन यदि वार पीछे से हो तो चाहे फिर वो रेड क्लिफ हो या मैकमोहन। ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। Out the goddamn door!